बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह सुबह का टाइम है। एक तो व्यू देखें कितना ही प्यारा है, और उसके अलावा सिर्फ आप परिंदों की आवाज़ें जो हैं उनको सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना सुकून देती हैं ये आवाज़ें कि क्या बताऊं मैं। आप गाँव में शोर नहीं ना होता इस वजह से। अभी एक बाइक गई है, अभी ये कच्चा रास्ता, इस रास्ते पे मैं जाऊंगा तो बिल्कुल कोई रत्ती बराबर भी शोर शराबा नहीं होगा। गंदम पकने के करीब है माशाल्लाह, और परिंदे आपको शायद नज़र भी आ रहे हों उड़ते हुए इधर से उधर, उधर से इधर। और परिंदे भी जो हैं वो अल्लाह का जिक्र करते हैं सुबह सुबह। ये सामने जो दरख्त है ना, इसके ऊपर काफ़ी सारे परिंदे हैं, और साथ अल्लाह का जिक्र करते हैं, और साथ सुबह सुबह ये निकलते हैं अपनी दाने के लिए, रिजक के लिए। इन दिनों में तो खैर दाने की जो है वो वाफर मकदार जो है मौजूद है, गंदम की सूरत में हर जगह आपको नजर आएगी। देखें जिधर भी आपका ध्यान जाए गंदम ही गंदम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा ही सुकून वाला सीन है। करते हैं थोड़ी वॉक, उसके बाद चलेंगे घर इंशाल्लाह। ये है अपना ट्रैक जहाँ पे हमने वॉक करनी है, कच्चे कच्चे रास्ते। इस साइड पे ना बादल हैं बिखरे हुए हर तरफ, और वो नीचे थोड़े गहरे बादल हैं। ये साइड कुछ हद तक जो है वो क्लीन है, इस साइड पे भी हल्के फुल्के बादल हैं। और अभी इस वक्त जिस वक्त मैं जा रहा हूँ ना वॉक पे, अभी हल्की हल्की ठंड महसूस हो रही है। अप्रैल शुरू हो गया लेकिन अभी भी उतनी गर्मी जो है वो नहीं शुरू हुई। लेकिन ये है कि अब गंदम ने पकना ना, तो गंदम गर्मी से ही पकती है, एकदम से गर्मी जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी तो खैर फजर के बाद का टाइम है, लेकिन दोपहर के टाइम अच्छी खासी धूप होती है। ये गंदम का कलर देखें, ये पहले की काश्त की हुई है, और इसका देखें ये थोड़ी ग्रीन है, ये कुछ दिन बाद काश्त की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी की ईद जो है ना, जब छोटी ईद होती है उसके फौरन बाद ही, समझ लें कि दो ढाई महीने बाद बड़ी ईद हो जाती है, तो उसके लिए जानवर पहले से देखना शुरू कर देता बंदा। लास्ट टाइम भी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, तो इस दफा कोशिश है कि जानवर जो है वो जल्दी हम ले लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल ये एक जानवर है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है जी एक अदद बछड़ा बच्चा। तो ये है जी जानवर माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा जानवर है माशा, खूबसूरत है जी माशाल्लाह। भाई जो है वो कहीं से लेके आए हैं, तो अभी हम देख रहे हैं, अगर हमें पसंद आएगा तो हम ले लेंगे। फिलहाल जो है वो ये पहली ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन है गया ये दो ढाई महीने भी है, ढाई महीने मान नहीं बस बड़ा वधे, तो 20 किलो या 25 किलो जानवर वधे, इतना ज्यादा नहीं वधे। या फिर छोटा है, छोटा है नहीं। एक नाल बकरा ले लो, वो तो फिर है ये ऑप्शन, लेकिन एदा ना दोंदा भी नहीं आंदे ना, 5-6 दिन बाद दोंदा लगना, दांत भी तो चेक करने ना। नहीं अगर नहीं समझ आंदा तो ठीक है, मेरी नजर से छोटा जानवर है, सोना लेकिन छोटा 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 है। जानवर है खूबसूरत, लेकिन ये है कि इसका वजन कम है, हमें थोड़ा 4-4.5 मन का चाहिए। बानहड़ो में शामी फिर भी चक्कर ला लांगा, जानवर वेख लिया ठीक है। अभी इस वक्त हम आए हुए हैं बाजार में, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है क्योंकि ईद की चल रही है शॉपिंग, और दुकानों में ना स्पेशली औरतों का इतना ज़्यादा रश है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो खैर मैं आया था अयान अनाया, एक तो इनके कपड़े लेने थे और दूसरा इनके जूते लेने। अभी हम एक जूते वाली दुकान पे हैं, इधर खड़े हो हानी, ऐसा देखो मेरी तरफ, पसंद आ गई, पसंद आपको ये रेड वाली, वो क्या ये वाला जूता, जूता पसंद है? दोनों भाई जो है उनको सेम सेम कलर जो है वो ले दिए, पसंद आप पसंद आपको। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम जा रहे हैं जी अपने ननिहाल, अपने नान के,
और वैसे तो इर्द गिर्द जितने भी रिलेटिव्स थे ना करीब करीब, उन सबको हमने आबे जमजम और खजूरें जो है वो तकसीम कर दी थी। और मामू जान जो है उनको अभी तक मुलाकात हमारी नहीं हुई, थोड़े बिजी हो गए हुए थे, तो आज स्पेशली मामू जान के पास हम जा रहे हैं। और जहाँ पे मामू जान का गाँव है उसके इर्द गिर्द भी कुछ अपने रिलेटिव्स हैं, उनके यहाँ भी जाएंगे और आज उनको आबे जमजम और खजूरें देंगे और टोपियाँ तस्बियाँ जो जो भी हम वहाँ से लेके आए हुए हैं मदीना मनवरा से। और अभी जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है ईदी, क्योंकि मेरे दो मामू जान हैं और जो दो ही मेरी फूफियाँ जो हैं वो यहाँ पे हैं, तो उनके लिए स्पेशली, और एक दो और, एक हमारी अम्मी की फूफी हैं, इसी तरह ये चार इन्वेल्प हैं अपने पास, तो ये चार कह सकते हैं ईदी हैं अपने पास। हमारी तरफ ये होता है कि जो तीतियान होती है ना, तीतियान हम बोलते हैं, यानी कि जो भी अपनी बहन पुप्पो जो जिसकी शादी हुई होती है, तो पंजाबी में मतलब उसको तीतियान बोला जाता है, यानी कि जैसे हमारी फूफियाँ हैं ना, तो उनके वालद यानी कि हमारे दादा जान वो तो रहे नहीं, और उनकी ईद हमारे घर से जाती है हर साल, छोटी भी और बड़ी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ ये रवायात है, हाँ आपकी फूफी जो है उनकी उम्र जो है वो 80 साल ही क्यों ना हो, फिर भी उनकी ईदी जो है वो जाती है। तो अपनी तरफ जो है वो ये सिलसिला है, आपकी तरफ क्या सिलसिला है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह आज हम एक तो ईदी दे के आएंगे, क्योंकि कल का दिन ही रहता हुआ है मेरे ख्याल से, परसों तो ईद हो जाएगी, तो एक हम दे के आएंगे ईदी, और दूसरा जो मदीना से सबसे खसूसी उनके लिए तोहफा है वो है जनाब आबे जमजम और खजूरें और अतर है, टोपियाँ और तस्बियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तरफ क्या सीन है कमेंट में बताइए। ठीक है जवाहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। जवाहर भाई से काफी देर बाद मुलाकात हुई है, छुट्टी आए हुए हैं जवाहर भाई, कैसा मौसम है कराची का? फिर कराची गर्मी है। अच्छा ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह मुबारक, ओके चाचू जी, ये अपना पहला स्टाफ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह खजूरां दे अड़ी ना पानी की, ठीक हो गए, ओके जवाहर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम दूसरी जगह पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे ये एक ईदी जाएगी, यहाँ पे अपने दो घर हैं, तो एक घर में ईदी भी जाएगी साथ खजूरें भी जाएगी साथ पानी भी जाएगा, और दूसरे घर में सिर्फ खजूरें जाएंगी और आबे जमजम जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम पहुंचे हैं अपनी नानी जान, अपनी अम्मी की फूफी जान के पास। हाँ जी मौजूद भाई पहुंच गए हैं, और पहले हम जहाँ पे थे ना वो नानी के भाई जान है, दादा जान हमारे वो नानी के भाई हैं, अम्मी के मामा जान है, और ये हमारी अम्मी की फूफी जान है। चलो मौजूद कल मौजूद भाई आओ, ईद ईद खजूर तस्वीर माशाल्लाह। मौजूद भाई जनाब तस्वीर है क्या है ना तो चेक कर शायद होए मामू जो है ना वो तो घर पे नहीं है, घर पे कह लेंगे मामू नहीं मिलेंगे आज हमें, वो कहीं गए हुए, उनका मोबाइल भी कह रहा है, तो खैर अभी हमने जाना है, तो अभी इंशाल्लाह मामू से फिर मुलाकात होगी, खजूरें पानी और मौजूद भाई दबो तस्बीह टोपी जो भी है मुलाकात फिर हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं, पहले हम गए थे अपनी जो बड़ी फूफी है ना उनके यहाँ, तो वहाँ पर हमें पता चला कि वो हमारे घर गाँव गई हुई हैं, तो रास्ते में मुलाकात नहीं हुई, हम और रूट से आए हैं, तो अभी हम पहुंचे हैं अपनी छोटी फूफी के घर। सेहत ही सुनाओ, सेहत ऐसे तरह ही है, एला केड़ी मसला है, तंदो है गोडे पीड़ करते ने, कमजोरी हो गई है, दो तीन दिन से आराम थी, आज बहुत गए आंधी पी फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहां पे सामान हमने दे दिया, मौलवी साहब कड्डो अपना जरा कागज, दो फूफी फड़ो अपनी, ये देखें फूफी ले ला ले ला, नहीं लाने नहीं लाने, हम जब छोटे थे ना कोई पैसे देता था फट से पकड़ लेते, ये मुहित को देखें, फूफो पैसे दे रही हैं, मुहित ले ला यार, मुहित को हमने एक दफा कहा था कोई भी पैसे देगा लेने नहीं है,
तो इतना पक्का हो जाता ना अपनी बात पे। वो पीछे जहां हम गए हुए थे ना, नानी जान भी दे रही थी तो इसने नहीं ली है, अभी फुप्पो जान दे रही है फिर भी नहीं ले रहा, पक्का हो गया, कहता नहीं लेने। अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिल लिया है, बस ना मामू जो है ना हमारे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, दोनों के दोनों मामू जो है वो घर पे नहीं थे। तो जो है ना एक फूफी जो है ना हमारी, वो हमारे कज़न के साथ हमारे गांव चली गई हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई। वो उम्मीद है कि आज रात हमारे गांव में ही होंगी, तो उनसे मुलाकात इंशाल्लाह गांव में हो जाएगी। तो बाकी मामू जान रह गए हैं, कल कोशिश करेंगे कि मामू जान को मिल लें, अगर कल नहीं मिल सके तो फिर ईद वाले दिन इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने पास एक पार्सल है हनली वे वालों की तरफ से, ये है एक अदद सूट। पहले ना मैं किसी दौर में पैंट शर्ट ट्राउजर शर्ट पहना करता था, तो अभी जसामत भी थोड़ी जो है वो चेंज हो गई हुई है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ज्यादातर हम पहनते हैं सूट, और इस दौर में ना अच्छी क्वालिटी का सूट जो है ना उसको ढूंढना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि ये मैंने एक सूट पहना हुआ है, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, और सिर्फ ये मैंने दूसरी दफ़ा पहना, एक दफ़ा पहले पहन चुका हूँ, तो अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें जो है वो क्या है। माशाल्लाह पैकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है जी, ओए होए होए ये देखें जी माशाल्लाह, ओए होए होए होए, पहले तो कलर देखें आप वाओ, और उसके बाद जनाब माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट मुलायम, बड़ा ही ज़बरदस्त कपड़ा देखने में, मेरे मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम ये सिलाई करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप जो है वो भी सूट पहनने का जो है वो शौक़ रखते हैं, तो अगर आपको भी ये सूट चाहिए तो यहाँ पे हमारा प्रोमो कोड जो है वो शो हो रहा है, अगर आप इसके ज़रिए ऑर्डर करते हैं, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करके ये ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी पूरे 20% की डिस्काउंट। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसको जल्दी से सिलाई करवाते हैं, तो जल्दी से जाएं और ऑर्डर करें। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, यहाँ से आपको मुख्तलिफ वैरायटीज़ मिल सकती हैं, काटन वाशिंग वेयर और भी जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो हम पहुंच गए जी टेलर के पास, भाई जी देखो कपड़ा चेक करो सबसे पहले, की कंडीशन है जी, क्वालिटी है जी कैसी है, मैंने दसनी है सबसे पहले, सही है जबरदस्त है। अच्छा ले जी पास हो गया, और ये भाई जो है ना ऐसे ही किसी कपड़े की तारीफ नहीं करते, जो अच्छा हो उसी की तारीफ करते हैं। लो फिर नापते हैं फिर सिलाई करवा दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अभी हम पहुंचे हैं जी अब्दुल रहमान भाई, आप जानते हैं इनको माशाल्लाह, मानी भाई के नाम। तो इयादत के लिए आए हैं, मानी भाई की सेहत जो है वो ठीक नहीं थी, ऑपरेट हुआ, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है बेहतर। ओके हाँ, बड़ा अल्लाह का। किसका ऑपरेट हुआ है? मोरूंग का, ये हाँ डिस्क है जी, L4 L5 वहाँ पे मसला था, अभी अल्लाह का शुक्र है कि ओके ऑल वेल अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम सऊदीया में थे तो तब पता चला था, तो तब ज़ाहिर रब्ता नहीं हो सका, तो अभी हम आए हैं। तो मानी भाई जी आप थैंक यू माशाल्लाह, और इनको तंदुरुस्त ठीक ठाक देख के अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े खुश हो रहे हैं। क्योंकि सुना यही था कि दर्द जो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अब उनके पास बैठे हुए हैं पिछले एक घंटे से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। और अभी इन्होंने वापस भी चले जाना है माशाल्लाह साउथ कोरिया, इनके पीछे पीछे हम भी आने वाले हैं।